हेलो दोस्तों, दिस इज अजास इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन ही एक मोनेटाइजेशन टूल्स दिखाई दे रहा है, ब्रांडेड कंटेंट, जिसके पास बोनसेस भी है, गिफ्ट्स भी है, सब्सक्रिप्शन भी है। पर ब्रांडेड कंटेंट बहुत ही काम का है। पहले ये लोगों के अंदर में सेटिंग्स में दिखाई देता था, पर अब जाके यू आर एबल टू मोनेटाइज में ये दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, मोबाइल उस पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से ये काम करता है, मतलब क्या चीज़ करना पड़ेगा हमें, ब्रांडेड कंटेंट का मतलब क्या होता है, क्यों आया है हमारे अकाउंट में ये चीज़ें, ठीक है, सबके बारे में आपको बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सभी के अकाउंट्स में आया है। किसी के अकाउंट में कुछ गिफ्ट्स में प्रॉब्लम है, रिक्स पर है, तो उनके इसमें ये रिक्स वाला ही दिखाई देगा कि भाई इनका ब्रांडेड कंटेंट टूल भी रिक्स पर है। डायरेक्टली इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हम। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपने अकाउंट्स पर चले जाइए और यहाँ पर आप तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। यहाँ पर आपको क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स पर जाना है, चेक करना है कि भाई आपके इसमें भी कहाँ दिखाई देगा। नीचे में मोनेटाइजेशन स्टेटस दिखाई दे रहा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यू आर एबल टू मोनेटाइज, मोनेटाइज कर चुके हैं आप, ठीक है, ब्रांडेड कंटेंट, ठीक है। ये जो है इसे हम अगर रील्स की भाषा में कहा जाता तो पेड पार्टनरशिप, भाई जिससे हमें पैसा मिलता है, जिसके साथ हम पार्टनर करते हैं, ठीक है, उससे कहा जाता है कि भाई ब्रांडेड कंटेंट। अब आप एलिजिबल हो उसके लिए, इससे भी अर्निंग कर सकते हो। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, अभी इसका जो एक नया अपडेट आने वाला है, जो कि इतने जल्दी तो नहीं आएगा, जिसमें पूरी टोटल आपको दिखाई देंगी, एक रील्स दो स्टोरी का कितना पैसा लेना है, दो स्टोरी दो रील्स का कितना पैसा लेना है, सब डिटेल दी जाएंगे और हर अकाउंट के लिए अलग अलग रहेंगे, क्योंकि उनके एंगेजमेंट और उनके फॉलोअर्स के हिसाब से रहेंगे। अभी मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि सर आप बहुत स्पीडली बोलते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ, ये देखिए आपके सामने पहले जो आता था वो दिखाई देता था आपको यहाँ पर नीचे में, ब्रांडेड कंटेंट। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एलिजिबल है, रिक्वेस्ट अप्रूव फ्रॉम द ब्रांड पार्टनरशिप, यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जो आ चुकी है कंटेंट क्रिएटर की, यहाँ पर पूरी लिस्ट है, मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर मैं इन्हें पैसे दूंगा तो वो क्या करेंगे, मुझे भेजेंगे पेड पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एक अकाउंट दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने अगर क्लिक किया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए नीचे में क्या चीज़ें लिखी आती है, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि भाई ऐसा रहता है। ओके, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, हाँ ये जैसे कि दिखाई दे रहा है। ओके, मैंने ये स्टार्ट किया है, देखिए नीचे में आपको दिखाई दे रहा है पेड पार्टनरशिप, तो ये लिखा हुआ आता है जब भी आप रील्स अपलोड करेंगे सामने वाला, अब उसमें वो प्रोडक्ट दे सकता है या उसके जगह आपको पैसा दे सकता है, ये आप जब बात करोगे उनके साथ तब पता चलेगा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्लस बटन पर जाता हूँ, नॉर्मली एक रील सेक्शन पर जाता हूँ और यहाँ से कोई भी अपनी एक रील्स ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया हूँ, आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है, टाइम होगा तो बिल्कुल देखना वीडियोस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे कर देता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पर थोड़ा सा और करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये आपके सामने में आ चुका है, यहाँ पर नॉर्मली मैंने वीडियोस बनाया हो, यहाँ से आपको नीचे आना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाय। ओके, नीचे आना है, यहाँ पर ऐड एडवांस सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चलो वापस आ, ऐड पेड पार्टनरशिप लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं जिनने भी आपको पैसा दिया है। अब बात कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। मिस्टर खान ए, ये मैंने टाइप कर दिया हो, ये आ गया है, मैंने इसे क्या कर दिया, डायरेक्टली ऐड कर दिया हो भाई, कंटिन्यू रिक्वेस्ट अप्रूवल टू ऐड ब्रांड पार्टनरशिप कंटिन्यू, ये मैंने कंटिन्यू कर दिया, ये आ गया है, ठीक है। बूस्ट करना है, नहीं अभी तक मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिला जिसके कारण मैं बूस्ट कर सकूँ, इसे डन कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया, इसे मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली शेयर कर देता हूँ। ये देखिए ये मैंने शेयर कर दिया है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये हमारी क्या होंगी रील्स यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर रील सेक्शन में हमारी रील्स, ये देखिए ये आ चुकी है मान के चलिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये हाँ भाई दिखाई दे रही है बिल्कुल, यहाँ पर मैं क्लिक किया हूँ, दूसरे अकाउंट पर चलता हूँ, वहाँ से मैंने इसे ले लिया हूँ। और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ अपने अकाउंट पर, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली रिफ्रेश। ओके, ये मैंने रिफ्रेश कर दिया हूँ, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं अगर क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एजाज की तरफ से पेड पार्टनरशिप का अप्रूवल आ गया, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, आपको यहाँ जाना है तीन डॉट पर, सेटिंग्स पर भी जा सकते हैं अगर आपको लगता हो, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटर्स कंट्रोल्स, ब्रांडेड कंटेंट, यहाँ पर अप्रूव कंटेंट क्रिएटर्स अप्रूव्ड,
यहाँ पर देखिए नीचे में एजाज इंजीनियर दिखाई दे रहा है, अप्रूव करना है। अब जैसे मैंने इसको अप्रूव कर दिया है, देखो होंडा वाले ने मेरा अप्रूव कर चुके थे, ठीक है, मैंने भेजा था, ये अप्रूव हो गया। होंडा वाले ने भी किया और इन्होंने भी किया, होंडा वाले के साथ एक बार हो चुकी थी डील शायद इसके कारण, ठीक है। यहाँ से मैंने क्लिक किया हूँ और यहाँ से मैं वापस आया हूँ एजाज इंजीनियर पर। आने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, व्हील्स पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो नीचे में दिखाई दे रहा पेड पार्टनर्स विथ खान, यानी इनके तरफ से मुझे पैसा मिला तो मैंने पेड पार्टनरशिप मिस्टर खान करके किया। लोग इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली ये अकाउंट पर जाकर मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर चलती है। अब इसमें क्या होता है, हमारा कोई एक वीडियोस नहीं रहता। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये वीडियोस देखने लग जाएंगे तो मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ क्योंकि ये नॉर्मली बनाया था। ओके, तो चलिए यहाँ से जो डिलीट हो गया, गलती हो गई क्या, फेसबुक पर चले गया, फेसबुक से डिलीट नहीं कर पाया मैं उसे, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसे डिलीट कर दिया। देखिए बाजू में मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उन्हें मैसेज जरूर करना है। ये बार्टर सिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जल्दी जल्दी स्पीडली मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप उन्हें क्या करेंगे, डायरेक्टली मैसेज करेंगे। मैसेज करने के बाद उनको उनके तरफ से रिप्लाई आएंगे कि भाई आप उनसे ज़रूर पूछना कि भाई हम आपके साथ पेड पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली प्रमोट करेंगे, आपके ब्रांड को प्रमोट, आपका जो भी बिजनेस है तो उसे हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। जितने भी वो आपसे सबसे पहले फॉलोअर्स पूछेंगा, आपका इनसाइट का एंगेजमेंट पूछेगा कि भाई कितने लोग देख सकते हैं, आपकी स्टोरी का चार्ज क्या है, आपका रील्स का चार्ज क्या है, उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि भाई हाँ चलिए अब हम आपको ये प्रोडक्ट देते हैं, जो भी चीज़ है उसके बाद वो आपको क्या करेंगे, प्रोडक्ट देंगे या पैसा देंगे, जो भी चीज़ है उसके बारे में आप डायरेक्टली उनसे बात कर लेना। क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट है कि मैं ये वीडियोज़ में बताऊँगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये ब्रांडेड कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इतने ज़्यादा मेरे पास अप्रूव आ गया। अब सबको तो मैं अप्रूव नहीं कर सकता, जो मेरे से बात करेगा, जिसके अकाउंट पर मैं जाऊँगा, देखूंगा कि भाई हाँ इसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स है, भाई मैसेज मुझसे किया है कि नहीं, हाँ भाई इन्होंने मुझसे मैसेज किया है, इसका मतलब क्या है, इनके साथ मैं क्या करूँगा, बातचीत करूँगा, उनका वो चीज़ें अप्रूव कर दूंगा। ये चीज़ें इसमें रहती है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया, तो भाई ये चीज़ आपको ज़रूर करना पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ पर ब्रांड के बारे में पूरी चीज़ बताया, कौन कौन लोग ब्रांड कर सकते हैं, पर अगर आप बोनसेस है आपको मिल चुका है और अगर आप बोनसेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ब्रांडेड कंटेंट टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो भी मैंने अभी साइड में आपको अकाउंट दिखाया, उन्हें मैसेज ज़रूर करना, इसकी लिस्ट में प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ। पर फिर से कि मैं आपको कहूँगा कि भाई कंप्लीट वीडियोज़ किस तरीके से टाइप करना है, मैसेज किस तरीके से उनका मैसेज आएगा, फिर अपने को मैसेज करके टाइप करना है, फिर उनकी तरफ से प्रोडक्ट आएगा या आपका पेटीएम नंबर, जो भी चीज़ वो पूछा जाता है, पर उससे पहले आपको वीडियोस डालना पड़ता है, उसके बाद अप्रूव के लिए उनके पास भेजना पड़ता है। वो चेक करेंगे अगर भी मेरे पास आ चुका है, अप्रूव करेंगे, उसके बाद वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ एक बंदे का, जिसके मेरे को याद आ गया, ठीक है, ये बंदा है जिसके 83,000 फॉलोअर्स है। ये हर प्रोडक्ट आपने देखा होगा इनका, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देखेंगे, देखो ये एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट उनको दे दिया जाता है। अगर इन्होंने अच्छे से बात किया तो डायरेक्टली क्या होता है, प्राइस के साथ साथ प्रोडक्ट भी दिया जाता है। ये प्रोडक्ट इन्होंने जस्ट बनाया है, और कहीं कहीं तो ऐसा है कि भाई आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए भी दिखाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट नॉर्मल सा वीडियोस है, पर इन्हें प्रोडक्ट मिल गया है। जो भी है ये इस तरीके से वीडियोज़ बनाते हैं, ये वीडियोज़ बनाए, ठीक है, इसके साथ साथ ये वीडियोज़ बना चुके हैं उन्होंने। तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, हर एक वीडियोस बनाना है, प्रोडक्ट के बारे में आपको पता रहेगा, ये प्रोडक्ट के बारे में पता रहेगा, या आपके सामने में मैंने जो दिखाया शूज़ हो गया, कैप्स हो गई, जो भी चीज़ है उनसे डायरेक्टली आप बात करना। जानते हो एक काम करता हूँ मैं, कंप्लीट वीडियोस ही बना देता हूँ आपके लिए। ओके, अब आपको समझ में तो आ गया, तो ब्रांडेड कंटेंट का यही काम है कि ब्रांड के साथ आप डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव मतलब जो अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजा था वो चीज़ें आपके इसमें आ सकती, वरना पहले नहीं आती थी। तो आपको ब्रांडेड कंटेंट मिल चुका है तो मुझे कमेंट जरूर करना, और मेरे वीडियो से अगर थोड़ा सा भी फायदा होता तो भाई पॉजिटिव कमेंट्स करना, मैं सबके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल एजाज इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।